तो बहुत दिनों बाद सोचा कि घूमने चलते हैं, और फिर क्या, निकल पड़े हम हमारे सफर के लिए, लेकिन इस टाइम विस्टाडोम ट्रेन से। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, अभी बजे है सुबह के 4:30 और हम लोग अभी तैयार हो रहे हैं जयपुर जाने के लिए। तो हमारा जो ट्रेन है वो है 7:15 को, लेकिन हम लोगों को यहाँ से एनी हाउ अराउंड 5:36 तक निकलना पड़ेगा, बिकॉज आधा घंटा प्लस ट्रैफिक अगर इन केस लग गई तो। एंड यस, हम लोग मिलते हैं आपको जयपुर में। लेकिन एक सेकेंड, विस्टाडोम तो जयपुर जाती ही नहीं है। जी हाँ, सही सुना, हम लोग जा रहे हैं मुंबई, और मुंबई से हमारा फ्लाइट है जयपुर के लिए। गाइस, हम लोग अभी निकल पड़े हैं स्टेशन के लिए। ऑल द टाइम हो चुका है, इट्स 5:40 राइट नाउ। देखते कितनी देर में पहुंचते हैं। वी हैव टू बी देयर बाय 6:30, तो मॉर्निंग में ज्यादा गर्दी नहीं होती है, ट्रैफिक नहीं होती है, तो हम टाइम पर पहुंच ही जाएंगे। तो हमने सब बैग पैक कर लिया है, बट एक प्रॉब्लम हो गया, पुणे में बारिश हो रही है। कल रात को भी हुआ था, वी डिडंट थिंक कि आज भी होगा, बट फोरकास्ट चेक करने के बाद पता चला कि 3 डेज स्ट्रेट बारिश होने वाली है। तो होपफुली वहां जहां हम जा रहे वहां ना हो। तो बस अब ज्यादा टाइम बिना वेस्ट किए आपको बताता हूँ कि विस्टाडोम यानी कि डेक्कन क्वीन दिखती कैसी है। तो ये है डेक्कन क्वीन ट्रेन, और इसके अंदर की कोच जो होती है उसे कहा जाता है विस्टाडोम। अब विस्टाडोम कोच का बेस्ट पार्ट ये है कि ये साइड वाले लोग ये साइड नहीं आ पाते, और ये साइड वाले लोग जो है वो इस साइड नहीं जा पाते। यहाँ पे बीच में कोई भी अटैचमेंट नहीं है, ये कम्प्लीटली सेपरेट बोगी है। विस्टाडोम कोच बाहर से कुछ ऐसा दिखता है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा डेक्कन क्वीन वाला ब्रांडिंग दिया गया है, एंड अंदर से तो भाई पूरा प्लेन की तरह प्रीमियम लगता है। सो गाइस, यू कैन सी, ये है विस्टाडोम का वॉशरूम, काफी क्लीन वॉशरूम है, और ये विस्टाडोम का एंट्रेंस। एंड अगर आप देख पाओगे तो अच्छी तरीके से, तो यहाँ पे ना लगेज रखने के लिए काफी जगह दिया हुआ है। जो सीट्स है वो काफी प्रीमियम है, और अभी फिलहाल तो ब्लाइंडर्स लगे हुए हैं, लेकिन जब स्टार्ट होगा इट विल बी कम्प्लीटली डिफरेंट एज यू कैन सी। और ये जो है ये रोटेशन के लिए हैंडल दिया हुआ है इन्होंने, तो दीज आर आवर सीट्स। गाइस, यहाँ पे नीचे एक लीवर है जिसको प्रेस करके आप बहुत इजीली इन सीट्स को रोटेट कर सकते हो। सो अभी जब सारे ब्लाइंडर्स खुल जाएंगे, जब ट्रेन चालू हो जाएगा, एट दैट टाइम इट विल बी कम्प्लीटली डिफरेंट। सीट्स के पास में इन्होंने बॉटल होल्डर दिया हुआ है, कुछ आप आपके स्नैक्स भी रख सकते हो। सो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे चार्जिंग स्पॉट भी मिल जाएगा, और बोगी का जो बैक साइड है ना, वहाँ पे अगर आप जाओगे ना, तो वहाँ पे आपको मिलेगा एक अमेजिंग सा पेनोरमिक विंडो। इस पेनोरमिक विंडो से जो व्यू मिलने वाला है ना, बेस्ट। और ये वाला जो सेक्शन है ना, इसमें एसी नहीं है, यहाँ पे लगाए गए हैं फैंस, और ऊपर जो है ना एक सीसीटीवी कैमरा भी है। सो गाइस, एक चीज मुझे आपके नोटिस में डालना था कि यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि इस पे बैठना नहीं है, ये बैठने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ये आपके बॉटल्स बैग छोटी मोटी चीजें रखने के लिए। सो बी केयरफुल अबाउट दैट, बिकॉज यहाँ पे एक छोटा सा जो पार्ट है वो ऑलरेडी टूटा हुआ है, यू कैन सी दैट। और बैक साइड के थोड़ा सा पहले ये पैंट्री वाला सेक्शन भी दिखेगा चाय कॉफी के लिए, और यहाँ पे कंट्रोल यूनिट दिखेगा। और इतना ही नहीं, यहाँ पे इन्होंने पूरा एंटरटेनमेंट सिस्टम भी खड़ा किया है, जस्ट आपको आपका वाईफाई कनेक्ट करना है, इस लिंक को अप्लाई करना है, पासवर्ड डालना है, एंड यस, एंजॉयमेंट एंटरटेनमेंट ऑन द गो। फुटरेस्ट जो दिया गया है ना, वो आपको बहुत ही कंफर्टेबल फील करवाएगा, और ये जो एलईडी वाला मिरर है ना, इसके साथ खेलने के लिए मुझे बहुत मजा आया। अब चलिए, 7:15 के आसपास ये ब्लाइंडर्स तो खुल गए हैं सारे, एंड इट लुक्स अमेजिंग कितना सारा लाइट अंदर आ रहा है। और यहाँ से शुरू करते हैं हमारा विस्टाडोम का सफर। आपका जो हैंड रेस्ट है वहाँ पे एक ओपनेबल सेक्शन है, जहाँ से आप एक फुल फ्लेज ट्रे निकाल सकते हो। श्रुति, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द विस्टाडोम? अभी तक तो बहुत अच्छा लगा, इतना स्मूथ जर्नी है, इट्स वेरी स्मूथ। अब हम लोगों ने यहाँ पे नाश्ता भी मंगवा लिया है, एंड इट स्मेल्स रियली गुड। भाई, इनका कॉफी एक्चुअल में अच्छा है, ट्रस्ट मी। सो अभी हम लोग ऑमलेट अनबॉक्स कर रहे हैं। वाओ, लुक्स गुड। फ्रेग्रेंस इज गुड। और स्मृति ने लिया था एक हार्ट शेप्ड वाला वेज कटलेट। नाउ एवरीथिंग इज ऑलराइट, इट्स जस्ट दैट छोटा सा प्रॉब्लम जो मुझे लग रहा है विस्टाडोम में, वो है कि अगर आप सीट्स रोटेट करते हो
तो जो पीछे बैठे हुए लोग हैं उनको थोड़ा सा लेग स्पेस कम हो जाता है एंड आपको बैग्स डेफिनेटली हटाने पड़ेंगे. सो दिस इज समथिंग दैट यू रियली नीड टू कंसिडर. अगेन यू लेफ्ट रिटर्न. सो गाइस एज आई सेड टर्निंग वुड बी अ बिट इशू. या लुक एट दिस व्यू. तो जैसे कि मैंने आपको बताया रेनी सीजन में ये जो विस्टाडोम है ये बुक करना वुड बी अ वेरी वैलिड रीजन फॉर यू. सो गाइस थोड़ी देर में हमारा ये जो ट्रैवल है विस्टाडोम वाला वो ख़त्म हो जाएगा एंड यस वी रियली एंजॉयड इट. और जैसे मैंने आपको बताया विस्टाडोम का जो टिकट हमें पड़ा है वो है अप्रॉक्सीमेटली 1000 रुपीज़ एंड यस इसमें थोड़ा बहुत आपको डिस्काउंट कोड्स कूपन्स लगा के थोड़ा सस्ता पड़ सकता है. वी रियली लाइक द होल जर्नी. वी रियली लाइक द ट्रैवल एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस होल ट्रेन जर्नी इज़ द व्यू. आपको बहुत मज़ा आने वाला है. अगर आप घर के सीनियर्स के साथ आते हो तो दे आर गोइंग टू दे आर गोना लव इट. सो यस आपको ये जो एक्सपीरियंस है वो ज़रूर करना चाहिए. हम लोग बहुत लोगों से मिले, बहुत लोगों से हम लोगों ने बातें की. पीपल वी मेट ओवर हियर वर रियली गुड. ये जो मेरे पीछे बैठे हुए अंकल है आज उनका बर्थडे है एंड यस दैट्स इट. और आप ये एक्सपीरियंस कर सकते हो. और चलिए अभी हम लोग चलते हैं हमारे सफ़र की ओर जो है जयपुर. तो गाइज़ हमारे लिए विस्टाडोम का जो एक्सपीरियंस था दैट वाज अमेजिंग. खाना भी अफोर्डेबल था, सीट्स भी काफ़ी लग्जूरियस थे एंड द ट्रैवल वाज वेरी स्मूथ. आप हमें नीचे कमेंट्स में लिख के बता दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है. और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गो सब्सक्राइब राइट नाउ एंड बेल नोटिफिकेशन पर टैप कर देना बिकॉज हमारा जो राजस्थान वाला व्लॉग वाला सीरीज़ है ना वो बहुत ही बेहतरीन और अमेजिंग रहने वाला है. तो वैसे अभी बहुत लोग सोच रहे होंगे कि हमारा जो आवाज़ है वो इतना क्लियर कैसे आ रहा है. सो वी वुड लाइक टू टेल यू कि नीफो कंपनी का ये एक हम लोगों ने एक छोटा सा माइक लिया हुआ है. जस्ट बी श्योर दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो एंड ये जो माइक है ये काफ़ी वंडर्स वर्क करता है. अगर मैं आपको इसका डेमो दिखा दूँ तो जस्ट सेकेंड. ये आवाज़ जो आप सुन रहे हो ये डायरेक्टली फ़ोन का है और ये आवाज़ जो आप सुन रहे हो अभी वो इस माइक से आ रहा है. तो लेट अस नो कैसे लगा. और इसका जो प्राइस हमें पड़ा है वो है 1600 फॉर दीस टू माइक्स. यानी कि गाइस इसमें मैं और स्मृति दोनों भी बात कर पाएंगे. यस हम दोनों ही साथ में बात कर सकते हैं. तो ऐसे नहीं होगा कि आपको सिर्फ अभी की आवाज आ रही है या सिर्फ मेरी आवाज आ रही है. आप एक टाइम पे हम दोनों की आवाज सुन सकते हो. एंड द थिंग इज दैट इसमें जो नॉइस कैंसलेशन है दैट इज अमेजिंग.